हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित खिरा। दोस्तों, वेस्ट बंगाल सेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कब है एग्जाम डेट, कब से फॉर्म भर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। जैसे कि आप वेस्ट बंगाल की साइट पे जाएंगे तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन शो करने लगेगा, जो कि कल की डेट का है, 1 अगस्त का, है ना। अब इसको आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको 25 ईयर्स वेस्ट बंगाल सेट का शो कर देगा। जी हां, सेट का नोटिफिकेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से, कब एग्जाम होने वाला है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे, फॉर्म जो आपके फिल होंगे, फॉर्म आप 1 से 31 तक भर सकते हो। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इसे फिल कर सकते हैं। साथ में इसमें अगर फॉर्म में एडिटिंग करनी है, आपको कुछ करेक्शन करना है, तो करेक्शन विंडो 9 सितंबर से 11 सितंबर तक ओपन रहेगा। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो यहां पर एग्जाम डेट जो है वो 17th of December, जी हाँ 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। उसी टाइम पे आपका यूजीसी नेट का भी होगा, लेकिन आपके लिए डबल अपॉर्चुनिटी है, यूजीसी नेट साथ में वेस्ट बंगाल सेट, तो दोनों ही आपके लिए रहने वाला है। इसमें नोटिफिकेशन में और क्या मेंशन है वो मैं आपको बता देता हूं। इंडेक्स दे रखा है, इंडेक्स के अलावा इसमें आप देखेंगे तो यहां पर जो मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट, कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 25th स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेस्ट बंगाल ओनली। अब इसमें आप देखेंगे तो बेसिकली मेंशन किया गया है कि जो सेट एग्जाम है वो 17th of December में होगा, है ना। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इससे क्वालिफाई करते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वेस्ट बंगाल में, है ना। साथ में इसमें जो सेट एग्जाम है 33 सब्जेक्ट्स के लिए होने वाला है, 33 सब्जेक्ट्स के लिए होने वाला है। और यहां पर टोटल अलग अलग सेंटर है वेस्ट बंगाल के, वहां पर ये होगा। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो इसमें मेंशन किया गया है कि जो एलिजिबल होंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे बेसिकली, है ना। तो उसमें आपकी अलग अलग मेंशन चीज की गई है, जैसे एसटी से अगर आप बिलोंग करते हो, है ना, उससे करते हो। साथ में यहां पर कंडीशन अप्लाई में पढ़ लेते हैं कि जर्नल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं अगर आप, तो एटलीस्ट आपको 55% जो हुए मास्टर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो मास्टर्स में 55% है तो आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आप जर्नल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। और वही आप ओबीसी या फिर एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो मास्टर्स में आपका 50% में काम चल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देख लीजिए यहां पर, और यहां पर क्या मेंशन है, और जो परस्यूइंग है मास्टर, है ना, उनका भी फाइनल ईयर वाले भी इसका भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन कंडीशन वही है 55% और 50% की कंडीशन यहां पर मेंशन कर रखी है। इसके अलावा यहां पर जो पीएचडी होल्डर है, है ना, वो मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, है ना, और उसमें आप देखेंगे तो उनके लिए भी यहां पर बेसिकली 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 55 से 50% का आपका हो जाएगा अगर आपकी पीएचडी जो है 1991 वाले डेट से बेसिकली वो है। इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं इसमें और क्या मेंशन है, हाँ, इसके अलावा यहां पर मेंशन है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर वेस्ट बंगाल सेट इन द स्टेयर पोस्ट ग्रेजुएट ओनली। अब जो भी आपका पीजी में सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपियर कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो बेसिकली आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसमें अपियर नहीं कर सकते। इन केस सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल सब्जेक्ट देन कैंडिडेट मे अपीयर इन यूजीसी नेट। तो कहा जा रहा है अगर जो 33 सब्जेक्ट की लिस्ट आई है उसमें अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप नेट दे सकते हैं, सेट नहीं होगा फिर आपके लिए, है ना। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, जो भी पीजी में आपका सब्जेक्ट है उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट आर नाइदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एंड सपोर्ट एलिजिबिलिटी नॉर प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है, कुछ भी यहां पर आपको सेंड नहीं करना है। इसके साथ साथ यहां पर एज का भी कोई लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है यहां पर, आपकी अपर एज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता सेट एग्जाम के लिए। तो अपर एज लिमिट यहां पर आपकी कुछ भी नहीं है, है ना।
इसके साथ साथ रिजर्वेशन आपको अलग अलग मेंशन किया गया है एससी के लिए, बाकी के लिए वो आप देख लीजिएगा। साथ में जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो स्टूडेंट हैं जिनका नेट सेट स्लेट जो है मिनिमम कंडीशन दे रखी है यहां पर, अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये चीजें आपको यहां पर मेंशन की गई हैं। तो वही है, फॉर्म की फीस की बात करें तो यहां पर 1200 जनरल के लिए, 600 आपका अदर कैटेगरी एंड एससी एसटी के लिए 300 रुपीज यहां पर चार्ज होने वाले हैं। इसके साथ साथ और आपको यहां पर क्या मेंशन है मैं आपको बता देता हूं। हाँ, एग्जाम पैटर्न देखिए, एग्जाम पैटर्न आपका वो देख लेते हैं। 17th ऑफ दिसंबर को एग्जाम होगा। पेपर वन 100 मार्क्स 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि सभी के लिए कॉमन है। तो आपको बता दूं पेपर वन का, जी हाँ पेपर वन का आपको कोर्स हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा। न्यू बैच अभी चालू हो जाएगा 5 से 10 अगस्त के बीच में, जिसकी फीस अभी ऑफर में 999 और ये बढ़ के 1499 रुपए हो जाएगी। 999 पे आपको कंप्लीट वेस्ट बंगाल सेट का पेपर वन का बैच मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज, विद वीडियो लेक्चर, विद डाउट लिंक सेशन, वो भी इंग्लिश मीडियम में। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा, साथ में बायलिंगुअल वाला भी रहेगा, यानी हिंदी एंड इंग्लिश वाला भी। तो आपके लिए डबल अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे हिंदी में अच्छे से समझते हैं वेस्ट बंगाल के, तो उनके लिए हिंदी मीडियम भी यहाँ पर है, साथ में इंग्लिश मीडियम बैच भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर केवल 999 रुपीज में पेपर वन का। पेपर टू अगर आप देखें तो 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस रहेगा, वो आपके जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उस पे डिपेंड करेगा। टोटल 3 आवर का आपका पेपर होगा, है ना। साथ में और यहां पर क्या क्या है पेपर वन में, देखिए क्या क्या है यहां पर पेपर वन में। आप देख रहे हैं पेपर वन में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, है ना, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जनरल अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट हो गया, ये आपका रहने वाला है। साथ में पेपर टू एंड थ्री जो है बेसिकली वो अब कंबाइन होके पेपर टू बन गया है, है ना। तो पेपर टू और पेपर थ्री का टोटल 100 क्वेश्चंस रहेगा जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, उसी के हिसाब से आपको करना है। और रही बात कितने लोग इस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, तो टॉप 6% जो रहेंगे वो आपके क्वालिफाई होंगे किसके लिए, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो टॉप 6% में आपको आना है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे जो आपका अलग अलग कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा जो वहां पर क्राइटेरिया उस हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मिनिमम दोनों पेपर में एटलीस्ट 40% स्कोर तो करना ही करना है, है ना। और जो अदर कैटेगरी से आते हैं उनको मिनिमम 35% तो स्कोर करना ही करना है। तो जनरल के लिए मिनिमम 40% यहां पर आपको स्कोर करना है, ईडब्ल्यूएस को 40% स्कोर करना है दोनों पेपर में, और एससी एसटी ओबीसी या अदर कैटेगरीज पीडब्ल्यूडी उसके लिए आपको 35% स्कोर यहां पर करना है। इसके बाद यहां पर और यहां पर क्या मेंशन है इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बता देता हूं। इसमें और चीजें जो आपके काम की होंगी, जैसे एडमिट कार्ड यहां पर मेंशन है कि एडमिट कार्ड जो है नवंबर की लास्ट वीक में आपका अनाउंस हो जाएगा। जी नवंबर लास्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। साथ में जो फॉर्म है आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, है ना, जिसमें आपका अलग अलग चीजें मेंशन है क्या क्या आपको चाहिए, बाकी तो आपका कुछ है नहीं इसमें। और लास्ट डेट आपने देख ही ली है इसमें। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। और जो भी आंसर की आएगी वेस्ट बंगाल के उससे आपको मैच करना है। इसके अलावा सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं तो 33 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, जिसमें आप देखेंगे इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, केमिकल साइंस के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशोलॉजी, इसके अलावा आपका साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, संथाली, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थ साइंस, म्यूजिक, लॉ, नेपाली, मैनेजमेंट, अरबिक, एनवायरमेंट साइंस, ये यहाँ पर आपके रहने वाले हैं 33 सब्जेक्ट। अगर इन 33 सब्जेक्ट में आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है तो
तो आप यूजीसी नेट दे सकते हैं, ये इसमें कहा गया है, है ना। इसके अलावा आपका वही चीज है, ट्वाइस द ईयर कहा गया है। और एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग एग्जाम सेंटर है, कोलकाता है, साउथ 24 परगना है, नॉर्थ परगना है, हावड़ा है, हुगली है, और ये आपके टोटल 33 सेंटर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर एंट्री दे रखी है, पेपर वन के लिए 9 बजे एंट्री होगी, है ना, और बुकलेट आपको 10:20 पे दिया जाएगा, और बुकलेट की सील 10:25 पे ओपन होगी, लास्ट एंट्री जो होगी 10:30 पे होगी, और टेस्ट जो है 10:30 से स्टार्ट हो जाएगा, 11:30 तक चलेगा। सेकेंड पेपर के लिए टाइमिंग यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में और बस इतना ही दे रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है। बाकी इसके प्रीवियस पेपर मैं आपको अपने चैनल पे डिस्कस करवा ही रहा हूँ, है ना। लास्ट 2023 में जो अब पेपर हुआ था, 2022 में हुआ था, 2021 में पेपर हुआ, अदर स्टेट्स की सेट एग्जाम जैसे MP के हो गए, राजस्थान के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, तो सेट एग्जाम के लिए आपको हमारा चैनल जाना जाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं। और रात को 7 बजे आप लोगों के लिए MCQ सीरीज चली रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप मेरा नंबर ले लीजिए व्हाट्सएप, इस पे आप व्हाट्सएप पे और इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके मुझे पिंग कर दीजिएगा अपना नाम और अपने एग्जाम का नाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेट एग्जाम आपको देखने को मिलेगी तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलता हूँ जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।